सिर्फ जुबान पे लगाम लगाता है, हाथ पे नहीं। दोस्तों, आप सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी च्युइंगम तो जरूर खाया ही होगा, पर क्या आपको पता है च्युइंगम आखिरकार कैसे बनाया जाता है फैक्ट्रियों में? और इसी के साथ साथ अगर आपके मन में सवाल है कि च्युइंगम वेज होता है या फिर नॉन वेज, तो आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि टमाटो केचप कैसे बनाया जाता है फैक्ट्रियों में। सो दोस्तों, वीडियो में आपको काफी सारी नई जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कैसे बनाया जाता है टमाटो केचप फैक्ट्रियों में। और इतना तो जरूर है कि अच्छे क्वालिटी के टमाटो केचप बनाने के लिए ऐसे टमाटरों का उपयोग किया जाता है जिनके अंदर पल्प ज्यादा हो और बीज कम हो। और मुख्य रूप में केचप बनाने के लिए टमाटर, चीनी, नमक और मसालों का उपयोग किया जाता है। अब सबसे पहले ताजे टमाटरों को खेती से तोड़कर एक वॉशिंग बेल्ट में डाला जाता है, जहां पर उनकी अच्छे से साफ सफाई होगी। और ऐसा होने के बाद सारे टमाटरों को एक ऐसे मशीन में डाला जाता है जो इसका पेस्ट बना देता है। उसके बाद इन सारे टमाटरों पर सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है जो कंपनी हम लोगों से छुपाती है। हाँ, लेकिन कई कंपनियों का बस इतना ही कहना है कि वो इन मसालों में जड़ी बूटियां, मिर्ची और बहुत सारे वेजिटेबल्स मिलाते हैं। अब एक बार जब इन सभी में मसाले मिक्स हो जाते हैं, उसके बाद इन्हें एक दूसरे कंटेनर में भेज दिया जाता है, जहां पर इन टमाटर पेस्ट में मिलाया जाएगा विनेगर, शुगर और नमक, और साथ ही साथ थोड़ा पानी भी। अब जैसे कि सभी इंग्रेडिएंट तो मिल चुके हैं, अब बारी आती है इनका एक अच्छा सा पेस्ट बनाने के लिए। तो अब इन सभी खाद्य पदार्थों को अच्छे से ब्लेंड किया जाता है एक मशीन के अंदर। अब इन सभी खाद्य पदार्थों का एक बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। तो अब बारी आती है इन सभी की पैकेजिंग करने के लिए, पर पैकेजिंग करने का भी एक बहुत ही अनोखा तरीका है। अब जैसे कि ये सारा पेस्ट अभी तो बहुत ही गर्म है, पर जब इन्हें बोतल में भरा जाएगा तो इन्हें बहुत ही जल्दी ठंडा करना पड़ता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि खाद्य पदार्थ बोतल के अंदर ज्यादा दिनों तक सही रह पाए। अब दोस्तों, बारी आती है च्युइंगम की। चलिए देखते हैं ना कैसे बनाया जाता है उसको फैक्ट्रियों में। इस प्रोसेस की शुरुआत में मेंटल क्रिस्टल और पेपरमेंट ऑयल को एक कंटेनर में मिलाया जाता है। हालांकि इन दोनों पदार्थ का रिएक्शन इतना तेज होता है कि वर्कर को अपने आंखों में ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, और धीरे धीरे ये वर्कर इन दोनों पदार्थों को अच्छे से मिला देता है। और इसी फैक्ट्री के दूसरे और एक दूसरा वर्कर एक मशीन में रेडीमेड गम बॉल्स और साथ ही साथ वैक्स को अच्छे से मिलाता है। और जैसे कि इन सारे गम बॉल्स में कोई भी स्वाद नहीं होता, तो इसमें आर्टिफिशियल शुगर मिलाया जाता है, जिसके द्वारा च्युइंग गम में हमें एक मीठा सा स्वाद मिलता है। अब शुरुआत का कुछ प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया, चलिए अब बारी आता है फ्लेवर ऐड करने का। अब जैसे कि वीडियो की शुरुआत में पेपरमेंट फ्लेवर बनाया गया था, उसी को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो लीजिए भैया, आपके सामने च्युइंग गम निकल रहा है मशीन से, जो करीबन 100 किलो का है। और इस सिंगल यूनिट से करीबन 55,000 च्युइंगम बनाए जाएंगे। और अब इस च्युइंगम यूनिट को पार्ट पार्ट में काट दिया जाएगा और एक मशीन के अंदर डाल दिया जाएगा। और अब एक रोलर मशीन की मदद से इन सभी च्युइंगम्स को पतले शीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फिर इन शीट्स को डाला जाएगा एक मशीन में, जो इन्हें एक्चुअल शेप में ले आएंगे और साथ ही साथ इनके अंदर जेल भी भर देंगे। अब ये स्वादिष्ट च्युइंगम लगभग बनकर तैयार है, पर आखिर में इन्हें एक ऐसे मशीन में डाला जाता है जिसके अंदर इन च्युइंगम को एक रोलर में घुमाया जाता है, और साथ ही साथ एडिशनल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं अगर कंपनी चाहे तो, और थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल स्वीटनर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्रोसेस करीबन 15 से 30 मिनट का हो सकता है। उसके बाद च्युइंगम तैयार है मार्केट में जाने के लिए। और दोस्तों, अगर आपने कभी सुना हो कि च्युइंगम नॉन वेज होता है, तो ये बात एकदम गलत है। और जैसे आपने देखा ही, कहीं भी नॉन वेज का उपयोग किया ही नहीं गया है, हालांकि कुछ केमिकल्स का तो उपयोग किया ही जाता है। अब ये च्युइंगम रेडी है आप तक आने के लिए, और आप इन्हें चबाकर जैसे भी इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो। सो दोस्तों, आशा करूंगा वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ नया देखने को और जानने को मिला होगा। वीडियो मेहनत से बनी है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना।